क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ये? कह रहा है 20th term, 20th term, 20th term फ्रॉम द लास्ट टर्म इज दिस। तो एपी इज इक्वल टू 3 है, 8 है, 13 है और 253 है। देखो इसमें ये ए माना जाएगा, लेकिन इसका जो गैप है वो कितना है बेटा? 5। इसका तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है। लेकिन बेटा इसने ना, वैसे दो अल्टरनेटिव होते हैं जो मुझे अल्टरनेटिव अच्छा लगता है, मैं वो करवा रहा हूँ। फ्रॉम द लास्ट टर्म है बेटा, इसको ना रिवर्स एपी बना दो। क्या बना दो? रिवर्स एपी। कैसे करोगे? 253 इसकी लास्ट टर्म है, तो इससे पहले वाली कौन सी टर्म रही होगी? -5 करने के बाद रही होगी, तो इसका -5 करेंगे तो 248 आएगा, डॉट डॉट डॉट, आखिरी में 13, 8 और 3। मेहुल भूमिका बेटा आप लोग भी देख लो, ठीक है? तो जो पहली टर्म होगी वो बेटा कौन सी होगी? ए। जो लास्ट टर्म होगी वो बेटा कौन सी होगी? ए एन, ठीक है। अच्छा अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए इधर डी, क्या रहा होगा इसका? माइनस का 5, ए हमारा आ गया 253। अब वो बोल रहा लास्ट से 20 टर्म, मतलब एन आ गया आपका 20, फॉर्मूला लगा दो बस फटाफट से। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 की डी। तो ए एन आपका जो आ रहा है वो तो हमें पता ही नहीं है कि लास्ट से कौन सी टर्म होगी, लेकिन ए पता है मुझे 253 है, और एन मुझे पता है 20वीं टर्म है माइनस 1, और उसका डी जो हो रहा है बेटा माइनस का 5 आ रहा है। तो 253 प्लस का 19 मल्टीप्लाई माइनस 5 करना मल्टीप्लाई फटाफट से। ये अगर 20 रहा होता तो 100 नहीं तो 95, 95 देगा मेरे ख्याल से, माइनस कर दो फटाफट से। 100 होता तो 153, 153, 155 जोड़ा 158 शायद, चेक कर लो एक बार आंसर, 158 है। प्लस कर लो ना बेटा, 253 माइनस 95 ये आ गया आपका 15 था ना, ये हो गया 14 और ये हो गया इधर, ये हो गया 8, ये हो गया 5 और 8, बिल्कुल ठीक है।